अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं जहां से आप मेरी आने वाली और भी वीडियोस को भी कैचअप कर सकते हैं। साथ ही याद रहे अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा तो आप मेरी आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो आज आपको समझनी है वो ये है कि डोमिनेटिव प्रोनाउन के अंदर दिस रिप्रेजेंट अ थिंग और अ थिंग्स ये वस्तुओं को पेश करता है शो करता है। अगर कोई भी वस्तु की तरफ आप इशारा कर रहे हो जो आपके पास में है दिखा ना रेफर टू अ थिंग दैट आर नियर बाय ऐसी वस्तु ऐसी चीज जो आपके पास में है और आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर वो पास है तो आप दिस का इस्तेमाल करोगे, अगर वो एक है तो, अगर वो बहुत सारी है तो आप दिस का इस्तेमाल करोगे, ये पास के लिए दोनों। लेकिन ऐसी वस्तुएं जो आपसे दूर है और अगर आप उसे एक दिखा रहे हो या वो एक है तो उसके लिए आप दैट का इस्तेमाल करोगे, और अगर वो चीज दूर है तो आप उसको दोस्त का इस्तेमाल करोगे। सिंपल सा लॉजिक है, पास है या दूर है, पास होगा तो दिस या दैट का इस्तेमाल, दिस और दीज का इस्तेमाल होगा, ठीक है, और अगर दूर है तो दैट और दोस का इस्तेमाल। डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन के अंदर, आप देखेंगे कि उसके नाउन का लगना जरूरी है। अब नाउन तो आपको पता है कॉमन प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और मेटर इनमें से ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले कि कोई भी चीज अगर हमारे पास में है तो यह है के लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे अगर वो एक है तो, और अगर वो बहुत सारी है तो हम दीस का इस्तेमाल करें, लेकिन पास होना जरूरी है। और इनकी हिंदी देख लीजिए, यह या यह सब। अब नंबर वन, अब यह कुर्सी है, दिस इज चेयर, यह कुर्सी है तो कुर्सी पास में और कुर्सी एक है। अगर कुर्सी दूर होती और कुर्सी बहुत सारी होती तो कुछ और इस्तेमाल था, दोस्त। अगर कोई चीज पास में है और वो एक है, मेन है, कोई चीज पास में है और वो एक है, याद रखिएगा एक है अगर, तो एक यहाँ पे एक होनी जरूरी है और यहाँ पे एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा, तो यहाँ पे दीज का इस्तेमाल होगा लेकिन पास के लिए। अब जैसे कि फोन है ना, फोन एक है, मैं बोलूंगा यह फोन है तो यह फोन है तो फोन तो एक वस्तु हो गई, एक थिंक हो गई, तो मैं दिस का इस्तेमाल करूंगा तो दिस इज अ फोन या दिस इज अ मोबाइल। यह फोन था तो दिस वाज मोबाइल, यह फोन होगा तो दिस विल बी मोबाइल। लेकिन पास में, इसका ये सेंस है कि पास में और एक है। अब ये देखो पेन बहुत सारे हैं, पास में है लेकिन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हो गए तो आर का इस्तेमाल करा, एक होता तो मैं दिस का इस्तेमाल करता। जैसे अब ये पेंसिल है तो ये बहुत सारी, एक से ज्यादा है, यह सब पेंसिल है तो दीज आर पेंसिल। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट ये है कि एक हो या एक से ज्यादा हो, एक होगा तो दिस, एक से ज्यादा होगा तो दीज। दिस और दीज में अंतर है, मैंने कहा यह रिमोट है तो दिस इज अ रिमोट, है ना, यह वस्तु है तो दीज आर ऑब्जेक्ट, दो होगी ना, एक से ज्यादा होगी, पर पास में, मेन है पास में। आगे चलते हैं, देखो अब ऐसी वस्तुएं रेफर अ थिंग दैट इज दैट आर फार अवे, ऐसी चीज जो दूर है, दूर है ये भी एक या दो हो सकती है दूर, तो एक या एक से अधिक हो सकती है दूर, ये भी तो हो सकती है ना, एक से अधिक या एक हो सकती है, दूर होगी लेकिन ये दिस इज नॉट क्लोज। अब जैसे कोलगेट है, मैंने कहा दूर रखा हुआ है कोलगेट, मैंने कहा यार यह ना कोलगेट है, यह कोलगेट है लेकिन ये दूर है, पर कोलगेट तो एक है तो दैट दैट इज अ कोलगेट पेस्ट, यह कोलगेट पेस्ट है। लेकिन यहाँ पे दिस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दिस गलत नहीं होगा, पर दिस क्या बोलेगा, दिस बोलेगा कि ये नियर बाय है, ये आपके पास है, ये दूर नहीं। दूसरा, यह गांव है, यह गांव है, गांव एक होता है, बहुत सारे होते घर, नहीं ये घर है, घर है ना बहुत सारे, तो दी दोज आर हट्स, वे सब झोपड़ियां हैं, वे बोलो या ये सब बोलो या वे सब बोलो, बात एक ही है,
तो ये बोल रहा है यह मेरा घर है, इशारा करके बोल रहा है यह मेरा घर है। मेन है संकेत करता है इसके अंदर, यह मेरा घर है पर घर दूर है। इनमें से कोई एक घर बता रहा है ये, लेकिन कह रहा है यह मेरा घर है, दैट इज माय हाउस। अब बोलते ना यह मेरी कार है, दैट इज माय कार। यह मेरा दोस्त है, दैट इज माय फ्रेंड। क्यों दूर है? एक है, दूर है एक है। एक से ज्यादा होगा, दूर होगा तो दोस्त। जैसे ये सब कारें हैं, तो दोज आर कार इन ट्रैफिक जाम, वे ट्रैफिक जाम में कारें हैं, तो वे सब कार ट्रैफिक जाम में जैसे मर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कोई वस्तु अगर पास में है, एक है तो दिस, एक से ज्यादा है तो दीज, कोई वस्तु अगर दूर है, एक है तो दैट, एक से ज्यादा है तो दोज। सो दिस इज योर टॉपिक। फाइनली, अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी इस चैनल के सपोर्ट के लिए और नॉलेज के लिए बताते रहिए। सो गाइज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।